बदल गई है। तू भी ना सेम वो वाली आलिया नहीं रही। तू भी वो वाला रह भी नहीं रहा। थैंक यू आलिया जी फॉर द फैक्ट चेक। यू आर सो नॉलेजेबल, सो नॉलेजेबल। पिंक सिटी गुलाबी शहर प्यार का रंग है और ऑफ कोर्स प्रेम की बात करने के लिए यहाँ पे रॉकी और रानी हमारे साथ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कंग्रेचुलेशंस। हेलो नितिन जी, हेलो, कैसे हैं आप? और आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून हो गया कि हेलो, क्या बात है यार, यही तो चाहिए। खिले हुए चेहरे, हेलो बेबी, हाउ आर यू। आफ्टरनून है, इवनिंग हो गया है। मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आलिया तो आपकी क्या फीलिंग्स है? अर्ली अर्ली इवनिंग। No, पहले तो हम लोग सॉरी कहना चाहेंगे, बट हमारी फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं हुई, हम लोग उधर ही बैठे थे, बारिश की वजह से काफी डिले हो गया, बट वी आर हियर। हमें बहुत काफी दिनों से हम काफी एक्साइटेड थे कि हम जयपुर आ रहे हैं, पिंक सिटी। इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम सिंस मैं यहाँ आई हूँ प्रमोशन के लिए, रणवीर यहाँ है प्रमोशन के लिए, वी आर वेरी एक्साइटेड। रॉकी और रानी हाजिर है तो आपसे बहुत बातचीत करेंगे और फिर मुझे वन लाइन कही थी कहानी के बारे में तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, बिकॉज आई वॉज डाइंग टू डू अ फिल्म लाइक दिस, जो एक हैप्पी फीलिंग है, खुशियों वाली फिल्म है, फैमिली के बारे में है, प्यार के बारे में, बहुत ह्यूमरस मोमेंट्स है, इमोशन भी है। I felt like मैं as an actor वो फिल्म क्रेव कर रही थी और as an audience भी वो फिल्म क्रेव कर रही थी। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो I was like ये तो मतलब धमाल मचने वाला है, because it was really funny। और मैं कहूँगी तो actually मेरा कल experience वही था, I really laughed a lot thanks to Ranveer Singh who is the fabulous Rocky Randhawa in the film। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, but y'all are in for a real roller coaster ride, the amount he's going to make you laugh and cry, if I may say so. Rocky bhai, for you. Yaar, Karan Johar ki picture hai. Karan Johar, he is one of the preeminent directors of Hindi cinema. To unki film mein lead karna mere liye sapne se kam nahi hai. I really have manifested being in a Karan Johar directorial for many many years and this was my opportunity. Karan, pehle saath mein hum kuch aur banane wale the. पैंडेमिक आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई और एंड देन ही वॉन्टेड टू मेक समथिंग बिकॉज वी सॉ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड यू नो इन द पैंडेमिक एंड करण वॉन्टेड अ फिल्म वॉन्टेड टू मेक एंड प्रेजेंट अ फिल्म दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर जो फैमिली साथ में देख सकें। साथ में जब आप हंसते हो ना तो वो बॉन्डिंग अलग लेवल की होती है, तो फ्रेंड्स फैमिली सब इकट्ठे बड़े ग्रुप में साथ बैठ के देखें एंड अ फिल्म दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर एंड ब्रिंग्स जॉय। मतलब कल जैसे खुशी का माहौल था एंड इट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल एंड मेमोरेबल इवनिंग फॉर अस। आई डोंट थिंक दैट्स एंटायरली ट्रू। आई थिंक ये साल पठान के साथ शुरू हुआ, उससे बड़ा ब्लॉकबस्टर तो आई थिंक हमने सालों में नहीं देखा है, तो हाँ, तो मैं बस वो करेक्ट करूंगी, बाकी आप आंसर कर सकते हैं। थैंक यू आलिया जी फॉर द फैक्ट चेक। यू आर सो नॉलेजेबल, सो नॉलेजेबल। बेटा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, जो परफॉर्मेंस दी है आपने फिल्म में। ये मेरा, दिस इज नॉट टाइम टू ट्रोल मी, दिस इज द आंसर यू गिव राइट टू हिज क्वेश्चन। आई एम जस्ट सेइंग योर परफॉर्मेंस स्टेड विद मी एंड द फिल्म स्टेड विद मी। आई डीपली अप्रिशिएट यू एज एन आर्टिस्ट, आई ट्रूली ट्रूली डू। हैविंग सेड दैट, आलिया की बात बिल्कुल सही है सर, फिर साल की शुरुआत पठान के साथ हुई थी, सबसे बड़ी हिट। सो अनडाउटेडली एंटरटेनमेंट, इन माय पर्सनल ओपिनियन एंड एनालिसिस, एंटरटेनमेंट कंजम्पशन पैटर्न्स हैव चेंज्ड पोस्ट पैंडेमिक एंड वी ऑल आर टेकिंग कॉग्निजेंस एंड अडैप्टिंग। हैविंग सेड दैट, पठान लाइक वी सेड इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द पोटेंशियल ऑफ बॉक्स ऑफिस इज इवन टुडे। तू ना बदल गई है। तू भी ना सेम वो वाली आलिया नहीं रही। तू भी वो वाला रह भी नहीं रहा। ये तो होता ही है ना, मैं पर्सनल एवोल्यूशन तो होता ही है। एक्चुअली होता है, फील कि रणवीर एंड आई आर वेरी लाइक, जिनके साथ हम हैंग आउट करते हैं हम उनकी तरह हो जाते हैं, लाइक वे आर वेरी लाइक स्पंज लाइक। हाँ, तो
हम लोग गली बॉय में जोया अख्तर के सेट पे थे, वे वो वेरी लाइक इट वाज वेरी डिफरेंट वाइब, वेरी चिल, वेरी लाइक जोया जो बहुत लाइक इट वाज वेरी रिलैक्स्ड. आई मीन करण आल्सो वाज रिलैक्स्ड बट लिटिल बिट मोर नॉटीनेस, लिटिल बिट मोर मस्ती, लिटिल बिट मोर लाइक हैविंग फन. सब बहुत अलग टाइप की फिल्में. एक तो कौन फिल्म थी ये, फैमिली ड्रामेडी रोमांस है, तो बहुत अलग टाइप की फिल्म है. आई डोंट थिंक दोनों की तुलना कर सकते हो. जो सब एक साथ बैठ के देख सके. वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी प्रेजेंट. हाय आलिया, हाय रणवीर. पिछले सालों की अगर मैं बात करूँ तो यू हैव ट्राइड डिफरेंट रोल्स इन बॉलीवुड, बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आज विजय दिवस है और क्या आने वाले समय में आपको ऐसा रोल करना पसंद करोगे? आर यू प्लानिंग फॉर अ रोल जिसके अंदर हम लोग कंट्री की बात करें या सोल्जर्स की बात करें फॉर देयर सैक्रिफाइसेस और समथिंग लाइक दैट? सो आर यू प्लानिंग फॉर दैट? I think इससे पहले ही कर चुकी हैं आलिया ने, तो मैंने राजी की है. But currently, if I be honest, there's nothing on, there's no film like that come to me yet. But if it does, and if it all matters on the script and the story, but if it does, I'll be more than pleased to do it. Razi was a very memorable film for me, and it got till date gives me a lot of love. So yeah. Thank you so much.